आपको क्या लग रहा है सर कि इसके पीछे क्या बड़ा कारण है जिसकी वजह से सरकार नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव कराने के मूड में नहीं दिखती और हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है या याचिका डालनी पड़ रही है, जबकि ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। देखिए, अगर आप पूरे महाराष्ट्र में 23 महानगर पालिकाएं हैं और 23 महानगर पालिका का जब आप आकलन करेंगे तो शिवसेना के पास उसमें से बहुत कम महानगर पालिका है। और वैसी स्थिति में शिवसेना जो है वो ये चाहती थी कि भैया जहां जहां चुनाव होने वाला है अगर वो इस चुनाव को टालती रहेगी और प्रशासक वहां पर शासन चलाता रहेगा तो एक तरह से शिवसेना बीडेड जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार जो चला अभी वर्तमान में है, एक तरह से उसका शासन रहेगा। तो वैसी स्थिति में इनको फायदा ही फायदा है क्योंकि प्रशासक बिल्कुल उसी तरह के हो गए जैसे कि सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, जैसे किसी कैबिनेट मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है, वैसे नगर विकास के अंतर्गत ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर आते हैं। तो एक तरह से पूरा दबदबा जो है वो नगर विकास मंत्रालय का उस पर चलता है और शिवसेना के पास ये विभाग है। शिवसेना के पास ये विभाग है तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते उद्धव जी के पास ये बहुत सुनहरा अवसर था कि जितना दिन वो नवी मुंबई महानगर पालिका या किसी भी महानगर पालिका में वो जितना दिन हो सके प्रशासक की सत्ता को खींचे और उस बहाने वहां पर जो चुनावी माहौल है उसमें शिवसेना की ज्यादा से ज्यादा वो उसमें ये दिखा सकें कि शिवसेना के कारण ये हुआ, शिवसेना के कारण वो हुआ, जैसा आप नवी मुंबई महानगर पालिका में देख रहे हैं। इसके पहले सत्ता गणेश नाइक के नेतृत्व में आप कहें तो एनसीपी के थी जो बाद में बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी के हो गए, लेकिन सत्ता तो उनकी थी। लेकिन अभी के समय में सारा जो कार्य का जो श्रेय है वो एक तरह से एकनाथ शिंदे अपने पास लेने का प्रयास कर रहे हैं और उसका उनको राजनीतिक फायदा मिलता भी दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है कि राज्य सरकार को कोई चूंकि दिक्कत नहीं थी, राज्य सरकार को फायदा ही फायदा था, इसलिए राज्य सरकार इसको टालते जा रही थी। और महानगर पालिका का मतलब होता है वैसे शहर जो पूरी तरीके से अब डेवलपमेंट की श्रेणी में आ चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, मतलब कि वहां मलाई खाने का जो चांसेस है वो बहुत बड़ा है और कोई भी मलाई आज छोड़ना कहां चाहता है। यही कारण है कि लोग को लग रहा था कि प्रशासक के बहाने मलाई खाने का मौका पूरी तरीके से राज्य सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको मिल रहा था। आपको इसमें कोई प्रोविजन क्या होता है कि कितने महीने तक प्रशासक रह सकता है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है या लोकतांत्रिक जो लोक प्रतिनिधित्व जो कानून है उसके तहत कितने महीने से ज्यादा प्रशासक का रहना ये व्यवस्था के खिलाफ है? देखिए, जो मैक्सिमम पीरियड है कि एडमिनिस्ट्रेटर कितने दिनों तक हो सकता है तो वो 6 महीने का है। लेकिन अगर 6 महीने में भी कोई ऐसी विषम परिस्थिति है जिसमें चुनाव करा पाना बिल्कुल संभव नहीं है तो वैसे समय में फिर से जो प्रशासक है प्रशासक की नियुक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन डालना पड़ता है राज्य सरकार को और उस नोटिफिकेशन के आधार पर फिर से उसके 6 महीने की अवधि की उसको एक्सटेंशन सकती है। मगर ये तो अब टू मच हो चला था कि अब आप 2 साल आप चुनाव नहीं कराएंगे। ये तो टू मच है कि आप कैसे बिना जनप्रतिनिधि के अगर महानगर पालिका आप चलाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अफसरशाही राज चलाना चाहते हैं और अफसरशाही राज आप इसलिए चलाना चाहते हैं क्योंकि सारे अफसर आप अभी राज्य सरकार में है इसलिए सारे अफसर आपके अधीन है तो आपको लगता है कि इसी बहाने आपका राज चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।